हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल पे लेटर के बारे में। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं ऐसे भी कि सिंपल पे लेटर का जो लिमिट है वो बैंक में ट्रांसफर कैसे करें या फिर वॉलेट के थ्रू ट्रांसफर कैसे करें, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं जो प्ले स्टोर पर, तो उसी के बारे में बात करने वाले। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि आप सिंपल पे लेटर का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफर के, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उसके बारे में ये बताऊंगा कि आप हकीकत में जो सिंपल पे लेटर की जो लिमिट है वो बैंक में ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। उसके पहले मैं एक आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन लोन टच। तो दोस्तों, आज से मैं मेरे चैनल का जो नाम है ऑनलाइन लोन टच उसको चेंज करके और मैं फाइनेंस एडवाइजर के नाम से नाम रख रहा हूँ। और दोस्तों, मैं 5 से 6 साल से फाइनेंस में काम करता हूँ, तो मैं जो भी मेरा 5 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको यहाँ शेयर करूँगा पूरा। और जो आपको NBFC कंपनी में लोन ले रखा है या फिर अदर कोई भी ऐसे कंपनी में लोन ले रखा है जो आपको गाली गलौज करते हैं पेमेंट नहीं करने पर, उनका जो रिपेमेंट है वो नहीं करने पर आपको गाली गलौज करते हैं, आपके जो रेफरेंस नंबर है वहाँ पे कॉल करते हैं, आपके रिश्तेदार में आपकी जो बेइज्जती करते हैं, उसका सभी का मैं आपको आज यही एक तरीका बताऊंगा। तो आप मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप का नंबर मैं जहाँ पे दे दूंगा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि भाई इसकी जो इसको रोक के कैसे। तो मैं मेरे जो 5 साल के एक्सपीरियंस में जो भी मैंने फाइनेंस के थ्रू सीखा है, मैंने जो पूरी डिटेल है मेरे पास वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा मेरे चैनल के अंदर। जो आप बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो उनकी जो लोन रिपेमेंट नहीं करने पर उनकी गाली गलौज से परेशान है, तो आज मैं पूरी डिटेल वही बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरे जो भी आप जानते हैं कि यूट्यूब पर पहले वीडियो बनाते हैं पहले पहल, तो कुछ ना कुछ शर्मिंदगी भी रहती है या फिर बोलने का एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो वही है कि मैं अभी धीरे 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 मेरी जो भी एक्सपीरियंस है जो भी है मैं आपको बता दूंगा। तो और मेरी जो भी शर्मिंदगी है या फिर और कुछ बोलने का तरीका है वो चेंज होता रहेगा। तो आपको पता है कि दोस्तों कि एक साथ तो कुछ होने वाला है नहीं, धीरे 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 हम जो कैमरे के सामने कुछ बोलते हैं तो बोलते कुछ है और निकलता मुंह में से कुछ और है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं थोड़ी आपसे माफी मांगता हूँ कि जो भी मैं बोलूंगा वो मैंने 5 साल में जो भी फाइनेंस के थ्रू कुछ भी सीखा है कि भाई हम लोन ले लेते हैं और उनपे उनसे पैसे नहीं दे पाते, कभी कभी ऐसी अपनी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम उनका रिपेमेंट रिटर्न नहीं करते, टाइमली नहीं पे करते हैं। तो वो उसके बारे में बताऊंगा कि हमारा वो क्या कर सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल में जो भी वीडियो है वो उसको पूरा एक बार विजिट करें चैनल में और वहाँ पे वीडियो देख कर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंपल पे लेटर के बारे में। तो सिंपल पे लेटर के बारे में वैसे तो दोस्तों कंप्यूटर भाई एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हमें उस जो सिंपल पे लेटर का पैसा था उसको बैंक में ले सकते थे। कुछ चार्ज लगता था और कुछ थोड़ा ज्यादा भी चार्ज लगता था। उस एप्लीकेशन में से सिंपल पे लेटर को रिमूव कर दिया, उसका ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो कई भाई मेरे जो पहले एक वीडियो डाला था मैंने कि सिंपल पे लेटर का पैसा बैंक में ट्रांसफर कैसे करें, तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बहुत सारे आए थे भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, मेरे पास आईडी नहीं है। तो उसके बाद मैंने उसको चेक किया तो वो मेरे पास भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो सिंपल पे लेटर के एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑप्शन अब जोड़ दिए गए कि उसके द्वारा आप डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिल का ये ऑप्शन नहीं था, वो ये बाद में जुड़ा। तो उसमें पूरी जो शॉपिंग की एप्लीकेशन उसको जोड़ने के बाद में जो कंप्रोवाई एप्लीकेशन है वहां से उस एप्लीकेशन में जो सिंपल पे लेटर का ऑप्शन आ रहा था उसको हटा दिया गया, सिंपल पे लेटर ने हटाया या फिर कंप्रोवाई एप्लीकेशन में हटाया वो तो हमारे क्लियर पता नहीं है, लेकिन वहां से हट गया है। तो उसका कोई रास्ता नहीं है और मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ कि भाई उसके अंदर ऑप्शन आ रहा है या नहीं फिर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम चलते हैं सिंपल पे लेटर के अंदर और वहां से फिर हम कॉम्प्रोफाई एप्लीकेशन में जाएंगे। उस एप्लीकेशन में जाके उस ऑप्शन को चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई हमारे पास आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम चलते हैं पहले सिंपल पे लेटर में और बाद में चलेंगे वहां पे कॉम्प्रोफाई जो एप्लीकेशन है जो वॉलेट का पैसा हम कोई भी अमेजोन पे का हुआ या फिर मूवीक्विक वॉलेट का हुआ, कोई भी वॉलेट पोर्ट पेटीएम पोस्टपेड हुआ, तो ये सारे वॉलेट के पैसे एक साथ हम उसके द्वारा जो बैंक में ट्रांसफर करते थे, लेकिन अब वहाँ पे जो सिंपल पे लेटर का ऑप्शन था वो वहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो हम दोनों एप्लीकेशन में जाके अब फिर देखेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सिंपल पे लेटर के जो एप्लीकेशन में और मेरी लिमिट है 4,000 रुपये और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो आप दोस्तों, कॉम्प्रोफाई एप्लीकेशन के द्वारा मैंने इस सिंपल पे लेटर की लिमिट यूज बहुत बहुत बार यूज़ किया है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन देख सकते हो आप, मैंने रिचार्ज भी किया था
और यहाँ से निकाला हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा दिया हूँ कि भाई कॉम्प्रोफाई एप्लीकेशन के द्वारा मैंने यहाँ पे सिंपल पे लेटर की लिमिट यूज़ की और बैंक में ट्रांसफ़र किया। अब चलते हैं कॉम्प्रोफाई एप्लीकेशन में, वहाँ पे देखेंगे कि भाई एप्लीकेशन का जो सिंपल पे लेटर के एप्लीकेशन का आइकन शो होता है या फिर नहीं होता है। तो हम चलते हैं कॉम्प्रोफाई एप्लीकेशन में, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में दिखाऊंगा आपको कि मैंने कितनी बार रिचार्ज पॉइंट, यहाँ पे रिचार्ज पॉइंट में मेरा बैलेंस कुछ बैलेंस भी बचा हुआ है, 11 रुपये बैलेंस बचा हुआ है, जो यहाँ पे ऐड मनी करना पड़ता था पहले हमारे को, जो सिंपल पे में से जो पैसे निकालने थे तो यहाँ पे ऐड पे नहीं करना पड़ता था। हाँ, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखते हैं इसका, तो देख सकते हो यहाँ पे अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मैंने कई बार यहाँ पे बाय किया है। यहाँ जो वहाँ पे ऐड मनी करते हैं ना, यहाँ से उस ऐड मनी के पैसे से हम यहाँ पे अमेजोन का गिफ्ट कार्ड बाय करके और अमेजोन में ऐड करके वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पे ऐड किया था बॉब क्रेडिट कार्ड के द्वारा, जो बॉब क्रेडिट कार्ड का मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है नहीं, और मैंने गलत नंबर डाल के और यहाँ पे 10 जैसे मैंने 100 रुपये डाल लिया क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए, और उसमें 100 रुपये डाल के मैंने अदर कोई कार्ड का नंबर, कार्ड बिगर मेरे पास कोई कार्ड तो है नहीं, तो मेरे पास एक डेबिट कार्ड था उसका लास्ट का डिजिट का नंबर डाल के और मैंने क्लिक कर दिया और पे पे क्लिक कर दिया, तो वो वहाँ पे जाके और सिंपल पे में जो लिमिट है वहाँ से डेबिट हो जाते हैं, और ये जो भी हमारे पास क्रेडिट कार्ड है उस वो क्रेडिट कार्ड का नंबर सही नहीं रहते हैं, तो वो जाके और हमारे जो कॉम्प्रोफाई एप्लीकेशन है वहाँ पे उस वॉलेट में ऐड हो जाते हैं, और वॉलेट में ऐड होने के बाद में यहाँ पे हम अमेजोन का गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उसको चेक करेंगे कि वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो डाटा कार्ड के पास में गैस का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कस्टमर आईडी, जैसे मान लो हमारा मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, पूरे मोबाइल नंबर तो लगाएंगे नहीं, आधा नंबर लगा देंगे, और यहाँ पे गैस वैल्यू लगा देंगे 100 रुपीज़, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा देंगे हमारा, मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से जो ये पेमेंट ऑप्शन अमाउंट है, ये पेमेंट अमाउंट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 3 रुपये हमारे पास चार्ज मांग रहा है, और यहाँ पे नीचे बहुत सारे जो वॉलेट हैं वॉलेट शो हो रहे हैं, जैसे मान लो ओला मनी, मूवी की, फ़ोन पे, अमेजोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जियो मनी, पे यू मनी और लेजी पे। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले नीचे यहाँ पे सिंपल पे लेटर का ऑप्शन शो हो रहा था, लेकिन अब वो ऑप्शन हटा दिया गया है। तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है कि भाई इस ऐसे करने से यहाँ पे सिंपल पे लेटर का जो क्रेडिट लिमिट है वो हम बैंक में ले सकते हैं, दोस्तों वो सब झूठ है, यहाँ पे ये हटा दिया गया है। इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन जो इसके अलावा कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है उसके द्वारा हम जो सिंपल पे लेटर की जो लिमिट है वो बैंक में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, और अगर आपको कोई भी परेशानी हो और कोई जो NBFC लोन कंपनी के द्वारा कोई परेशान कर रहा हो तो पास एनी टाइम कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप व्हाट्सएप के थ्रू, जो व्हाट्सएप का नंबर है मेरे जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो भाई को आपको कोई परेशान कर रहा है तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था।